तो फिर आपने बोला कि आप एक जो मिल्खा बिजनेस से आप उसे बस बॉम्बे में कर रहे हो, बाकी दो बिजनेस से आप ग्लोबल एक्सपोर्ट कर रहे हो। बहुत सारे बिजनेस को प्रॉब्लम क्या होती है कि मतलब वो बिजनेस बना तो लेते हो लेकिन उन्हें ये पता नहीं, ये समझ नहीं आता कि मतलब सप्लाई चेन कैसे एस्टेब्लिश करें। जैसे आप अभी आपके दो जो बिजनेस है आप उन्हें ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हो, अपने पहले चीज सप्लाई चेन कैसे एस्टेब्लिश करी और मतलब आपकी जो उसमें जो डिफिकल्टीज थी वो क्या थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने जो एक्सपोर्ट लाइन सीखा वो मैंने पूरा हमारे टेक्सटाइल बिजनेस सीखा, क्योंकि इसमें हमारा 100% था, तो वहां से मेरे को एक्सपोर्ट पे काफी ग्रिप आने लग गया था। तो जो भी चैलेंजेस थे, क्योंकि बिकॉज इसमें बहुत सारे लोज लगते हैं, तो हमको लो थोड़ा सा जल्दी समझ में आने लग गया था। तो वहां से पूरा सिस्टम सेट हुआ फॉर एक्सपोर्ट साइड। सप्लाई मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में हमने सप्लाई मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग वेंचर में एस्टेब्लिश किया है। जैसे मिल्क डिलीवरी में मॉर्निंग का पूरा डिलीवरी है, तो हमने मॉर्निंग पूरे डिलीवरी बॉय साथ काम किया। तो इट्स डिपेंड बिजनेस किस तरह का स्ट्रक्चरल ऑपरेशन मांगता है, उस तरह का आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको डालना पड़ता है। आपने बोला कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको टेक्सटाइल के बिजनेस के थ्रू देखा आपने, मतलब अगर कोई एक बहुत ऐसा नया बंदा है, सपोज अगर मैं कल मेरा कोई ऐसा बिजनेस चालू करूँ जिसमें मतलब मुझे बहुत सारी चीजें मतलब सप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब अब मैं पुणे बैठा हूँ, अगर कोई ऑर्डर मुझे अगर जम्मू एंड कश्मीर या कन्याकुमारी से आए फिर भी मैं उस ऑर्डर को फुलफिल कर पाऊँ, अगर मुझे ऐसा मतलब बहुत नेशनल स्टेज में करना है मुझे क्या 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 चीजें करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, प्रोडक्ट लिक्विड है, किस फॉर्म में है। सी, आज की तारीख पे मैं बताऊंगा कि D2C बिजनेस के लिए डिलीवरी इज नॉट अ चैलेंज, बिकॉज इतनी सारी लॉजिस्टिक कंपनी जा गई है जो आपका गुड विद इन फ्यू वर्किंग डेज आपका डिलीवर कर देती है। लाइक अगर मैं जोन ए से जोन ई की भी बात करूँ तो विद इन 5 वर्किंग डेज आपका डिलीवरी एंड टू एंड हो जाता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो जिस टाइप का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को प्रॉपर पैकेजिंग के साथ रखें, सो दैट आपका डिलीवरी कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने पैकेजिंग साथ रखा है तो देर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु हेल्प फॉर द लॉजिस्टिक साइड। अगर मैं ये आपने बोलना बोला चाहूंगा कि कि हाँ अगर बोलिए किसी को स्टार्ट करना है तो ऐसे कि उनका प्रोडक्ट का पैकेजिंग प्रॉपर होना चाहिए। जिस फॉर्म में प्रोडक्ट है उसका प्राइमरी पैकेजिंग प्रॉपर होना चाहिए और उसका सेकेंडरी पैकेजिंग प्रॉपर होना चाहिए, देन इट्स गुड टू गो। ठीक है, अभी आपने बात किया कि एक्सपोर्ट के बारे में, अब हम आपने जो आपके जो 3 डिफरेंट बिजनेसेस आपने स्टार्ट किए, आपको मतलब आपने क्या सोच के वो 3 बिजनेसेस स्टार्ट किए थे और मतलब नेसेसिटी क्या थी उस मार्केट में उन बिजनेसेस की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से इट्स लाइक ए अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। और सेकंड मैं इसका आंसर देना चाहूंगा कि व्हेन वी स्टार्टेड ना, इनफैक्ट आज भी ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल वीगन पे बहुत शिफ्ट हो रहे हैं, लोग बहुत कम बंद कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि अडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा मिल्क हमको पीना चाहिए। आते हैं कि अगर लाइक प्रोटीन लोगों को नहीं मिलेगा, कैल्शियम नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं बॉडीज में हमको डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो इस वजह से हमने ये नेटिव सुपर हेल्थ फूड बोल लीजिए या A2 मिल्क का हमने वेंचर स्टार्ट किया अलोंग विद अदर को-फाउंडर्स। सेकेंड बोलूंगा इकोसिस के लिए, अगेन आज हम देख पा रहे हैं कि कितना क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट आ रहा है। इनफैक्ट विंटर्स का हमको समझ आ रहा है कि कब सर्दी आ रही है, कब गर्मी आ रही है, कब बारिश हो रही है। तो ये सब एक क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट हम लोग बोल सकते हैं। और कंपनीज भी इंडिया में या ग्लोबली एफर्ट डाल रही है कि हम लोग को जीरो कार्बन एमिशंस पे कैसे शिफ्ट होना है। तो दैट्स द राइट टाइम वी हैड स्टार्टेड, जहाँ पे बहुत नीड ऑफ द आवर था दोनों चीज। ओके आपने जो नेटिव सुपर फूड आपकी जो कंपनी थी चालू करी थी वो आपने कब चालू करी थी और उसका उसमें आप क्या करते हो? तो मैं बोलूंगा कि ये हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशंस अप्रॉक्सिमेटली सितंबर अक्टूबर 17 में हमने इनकॉर्पोरेट किए थे, बट प्री कोविड सारा काम स्टार्ट हो चुका था। किसी का प्री कोविड हो गया था, किसी का 2018 के स्टार्ट में हो चुका था। आप करते हो क्या हो इन अलग अलग कंपनीज में?
तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर कंपनी का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मिल्क में हमारा मिल्क डिलीवरी रहता है, जहाँ पे मैं स्पेशली संभालता हूँ कि इसको ग्रोथ पे कैसे लेके जाया जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक हम लोग संभालते हैं। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि ग्रोथ वाला पार्ट एक एक टीम वर्क होता है, जहाँ पे हम लोग साथ में, बिकॉज उसमें हर तरह का एक फैक्टर्स रहता है, तो बहुत सारे डिस्कशन बाद में वो आगे लेके जाते हैं हम लोग। तो फिर अभी हम बात कर रहे थे सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी के बारे में। मतलब आप बोल रहे थे कि मतलब बहुत अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस आ रहे हैं अलग अलग कंट्रीज पे। तो फिर आपके कंपनीज क्या कर रहे हो मतलब आप कार्बन फुटप्रिंट जीरो हो और बाकी सारी चीजों को टैकल करने के लिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, हमको अलग अलग तरीके से काम करना पड़ेगा, जिसमें एक सबसे फैक्टर है प्लास्टिक पोल्यूशन। बिकॉज हमने अभी रिसेंटली कुछ ये भी देखा, हमने लैंड फायर देखा है। एक मेजर रीजन भी है कि वो कैसे लाइक वेट वेस्ट से मीथेन गैस निकलता है और कैसे वो फायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग बात कर रहे थे कि प्लास्टिक पोल्यूशन एक सबसे बड़ा कारण है। तो अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, हम लोग काम में लेके प्लास्टिक बॉटल हम लोग फेंक देते हैं, बिकॉज हम लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उसमें टॉक्सिक बेस्ड इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो बहुत हार्मफुल रहते हैं। तो अभी के सिनेरियो में दो मेजर प्रॉब्लम है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, जैसा मैं आपको बता रहा था। एक तो टॉक्सिसिटी है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स में, मैं बोलूंगा प्लास्टिक का यूजेस बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इकोसिस लॉन्च किया, जिसमें एक नाम का एक टेक्नोलॉजी हमने काम में लिया। हम एक छोटा सा कैप्सूल बनाते हैं, आप एक कैप्सूल देख सकते हैं, छोटे से कैप्सूल में कॉन्सेंट सोल्यूशन रहता है। जैसे ये कैप्सूल के कॉन्टेक्स्ट में आता है, एक सोल्यूशन क्या है, तो आप किसी भी टाइप का वाटर ले सकते हैं, किसी भी टाइप का वाटर ले सकते हैं। तो इससे हमारा मेन मिशन ये है कि हम लोग प्लास्टिक की बॉटल को कैसे कम कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड में बोलूं कि एग्जिस्टिंग बॉटल को हम लोग उनका मैक्सिमाइज रीयूज कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा कैप्सूल आता है, ये छोटे साशे में आता है, इस साशे को आपको ऐसे करना है, कैप्सूल बाहर आएगा, आपको बॉटल में डालना है, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो आपको दिख रहा है, ये भी 100% बायोडिग्रेडेबल पेपर है, विद इन सॉइल में ये 100% बायोडिग्रेड हो जाएगा। तो ये एंड टू एंड हमारा एक जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट है। आपने बोला कि आप अभी हाँ बोलिए। तक हम लोग मोर देन 7,000 कस्टमर्स को कैटर कर चुके हैं, और हमने मोर देन 93,000 प्लास्टिक बॉटल्स लैंडफिल्स में जाने से बचा चुके हैं। ठीक है। तो फिर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो फिर सस्टेनेबिलिटी को लेकर के अलग अलग समिट्स होते हैं, अलग अलग समिट्स यूएन ऑर्गेनाइज। तो फिर उसमें एक समिट है सीओपी, आपने आपको मालूम रहेगा COP 26 27, अभी COP 27 हो गया। तो फिर इसमें क्या होता है कि मतलब हर साल समिट होता है, हर साल कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रोमिसेस बनाते हैं वर्ल्ड लीडर्स, लेकिन कोई भी प्रोमिस इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो फिर आपका क्या टेक है इस पे कि मतलब ये समिट बस होते रहता है और मतलब कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, हर साल मतलब नए रूल्स लेकर आते हैं और मतलब कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। सी, मेरा इसमें व्यू ये है कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, तो हर साल जब ये समिट होता है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन को देखने में मिलता है। अभी तक क्या था, क्लाइमेट चेंज को लेके हम लोग इतने सीरियस नहीं थे, सस्टेनेबिलिटी इतने सीरियस नहीं थे, बट अब जो कंडीशंस चेंज हो रही है, उसके चलते अभी हर कंट्री एक अवेयर हो चुकी है इस बारे में कि हर कंट्री को अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, और सबने अपने टारगेट सेट किए, बाई 2030, बाई 2040, बाई 2050 हम लोगों का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई थिंक इस पे हर कंट्री ने काम स्टार्ट कर दिया है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जो कि आगे जाके हमको इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा दूसरी कंट्रियों के थ्रू। तो इसमें बोलूंगा कि अभी इसमें काम स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, आगे जाके हमको अच्छा इम्पैक्ट और रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने ये बात क्यों बोली, क्योंकि COP 26 में एक प्रॉमिस किया था डेवलप्ड कंट्रीज ने कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को इतना इतना अमाउंट देंगे पर ईयर फॉर उनके डेवलपमेंट में, और मतलब उनका डेवलपमेंट भी होता रहेगा और उनके जो कार्बन इमिशन भी वो भी कम कर लेंगे वो इसके थ्रू। लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कब हुआ है आपको मालूम है क्या? उसका इम्प्लीमेंटेशन इस COP में हुआ है, और इस COP में भी कब हुआ है कि अब वो जो समिट की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो गई, उसके बाद एक दिन समिट एक्सटेंड करना पड़ा, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है।
यार वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी क्या हर कंट्री को सीरियस अवेयरनेस ऑलरेडी आ चुकी है, तो हर कंट्री स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स उनका एक स्पेसिफिक गवर्नेंस इसमें बना रहे हैं कि जहाँ पे इसके बारे में काम कर रहे हैं। जब भी हम ऐसे सस्टेनेबिलिटी और अलग अलग समिट्स के और इसके बारे में बात करते हैं, तो फिर एक बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल कह सकते हो, मतलब बहुत ही एक एक्टिविस्ट है ग्रेटा थनबर्ग नाम के, उनका नाम बहुत सामने आता है। आपके क्या विचार है उनको लेकर? सॉरी कम अगेन, ग्रेटा थनबर्ग, क्या क्या आपको समझा नहीं मैं। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, मतलब आपका क्या टेक है उनके विचारों पे? तो मैं बोलूंगा कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट काफी हद तक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं बात करूंगा जो कि अगेन वो अपना काम कर रहे हैं टूवर्ड्स कंज्यूमर अवेयरनेस, वो इस कस्टमर्स को बताना चाह रहे हैं कि आपको किस तरीके से कितना इम्पैक्ट आपकी वजह से क्रिएट हो सकता है अगर आप पूरे सस्टेनेबिलिटी आप शिफ्ट होते हैं। हम जो गो ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट एक्टिविस्ट भी आई थिंक अपने जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो जो कि हमको हेल्प, इनफैक्ट हम ब्रांड्स को भी हेल्प करता है कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर जब अवेयर हो जाता है तो उसको लगता है कि हमको हमारी तरफ से भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। मैं उसको चीज को लेके पॉजिटिव हूँ। अभी हम बात कर रहे थे कि अलग अलग स्टार्टअप अपने, और आप अभी साइड बाय साइड आप तीन थ्री कंपनीज रन कर रहे हो। अभी शार्क टैंक बहुत मतलब ज्यादा ये है, ट्रेंडिंग टॉपिक है सोशल मीडिया पे और हर जगह। आपने शार्क टैंक देखा और आपको क्या लगता है शार्क टैंक के बारे में? सी शार्क टैंक इट्स लाइक जहाँ पे मैं बोलूंगा कि शार्क टैंक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे ऑनर्स को बहुत बड़ा एक टैंक मिलता है, जहाँ पे ऑन्टरप्रेन्योर को अपने ब्रांड की विजिबिलिटी काफी हद तक मिलती है, एंड दे गेट गॉट द सपोर्ट ऑल्सो फ्रॉम ऑल द शार्क्स। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू एंड स्पेशली आप कौन से स्टेज पे हैं उस के आपको चूज पड़ता है आपको ये राइट टाइम है या नहीं। हाँ, आपने बोला कि आप कौन से स्टेज पे, अभी आप कौन से स्टेज पे, आपकी आपने क्या कभी फंडिंग वगैरह लिए है मार्केट से, या मतलब कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है अभी तक? कंपनीज हैव बीन फंडेड बाय वन ऑफ द एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, तो फिर अभी हम कंक्लूड करते हैं, बट बिफोर कंक्लूडिंग बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछा जाता है मतलब अलग अलग प्रोफेशंस के लिए कि मतलब आप अपने आप को 5 ईयर में कहाँ देखते हो। तो फिर आज मैं एक को फाउंडर को पूछने वाला हूँ कि आप अपने आप को 5 ईयर में कहाँ देखते हो? जो इम्पैक्ट हम लोग क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, जैसे आप ए टू मिल्क की बात कर लो या हमारे नेटिव सुपर हेल्थ फूड की, जिसमें हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोग मैक्सिमम लोगों की हेल्थ स्टाइल को या हेल्थ हैबिट्स को कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज आज का स्पेशली अर्बन लोगों का फूड स्टाइल थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि जो हमारा ट्रेडिशनल था उससे काफी नेगेटिव हो गया है, तो इसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे हम लोगों का हेल्थ बेनिफिट्स भी रहे। सेकेंड बोलूंगा इसको लेके हमारा विजन ये है कि हम लोग प्लास्टिक यूज को मैक्सिमम कैसे कम कर सकते हैं, हम लोगों तक पहुंच के उनको बता सकते हैं कि इनफैक्ट कुछ चीजें ऐसे होती है जो खुद इंडिविजुअली घर पे रह के करते हैं तो भी प्लास्टिक सेविंग किया जा सकता है। तो हमारा मेन मेन विजन यही है कि हम लोग इकोसिस्टम में कैसे हम लोग मैक्सिमम प्लास्टिक बचा सकते हैं और हम लोग मैक्सिमम क्लाइमेट चेंज में हेल्प कर, जो जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट सेविंग में कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आपने बताया कि आपको एक एंजल इन्वेस्टर के आपको फंडिंग मिल चुकी है, तो फिर आपने उन्हें रीच आउट कैसे किया था और आपको फंडिंग कौन से किन बेसिस पे मिली थी? तो इट्स डिपेंड ऑन द लाइक ऑन द विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू हैव, विच टाइप ऑफ फाउंडर्स यू हैव, तो ये सारे फैक्टर्स विच चीज के रहते हैं फंडिंग लेने के पीछे। बट हमारे जो इन्वेस्टर है वो हम लोगों के साथ डे वन से हैं। अच्छा, सो इट वाज ग्रेट स्पीकिंग विथ यू सुमित। आई होप यू ग्रो मल्टीफोल्ड इन अपकमिंग इयर्स। थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग ओवर द पॉडकास्ट, एंड इफ यू लाइक इफ अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो फिर आप और आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। उन्हें ये मतलब स्टार्टअप का इकोसिस्टम है और जो सीए की जो एग्जाम्स होती है उनके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आप किसी नए पॉडकास्ट में किसी नई गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।